DKT Engineering, a Delhi knowledge track platform for JEE aspirants. मेरा नाम रिदम केडिया है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। इस साल मेरी जी एडवांस में AR4 आई है और मेरी 337 मार्क्स आई है आउट ऑफ 360। मेनली इस बार पेपर मुझे कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स थोड़ा ईजियर साइड पे लगा और पेपर पैटर्न जो 2017 में था उसी टाइप का था। हमारे कुछ इंटीजर, कुछ मल्टीपल चॉइस, कुछ सिंगल चॉइस क्वेश्चंस थे और मैंने केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट किया था क्योंकि केमिस्ट्री में आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कुछ टाइम बाद कि आपने काफ़ी पोर्शन ऑफ मार्क्स कवर कर लिए। ऑल्दो मेरा फिज़िक्स मेरी स्ट्रेंथ है क्योंकि मैंने फिज़िक्स में काफ़ी टाइम दिया अपना। मैं फिज़िक्स ओलंपियाड की भी तैयारी किया हुआ हूँ और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुका हूँ इन वेरियस फिज़िक्स ओलंपियाड इंक्लूडिंग द एशियन फिज़िक्स ओलंपियाड, द इंटरनेशनल फिज़िक्स ओलंपियाड एंड देयर आर वेरियस ओलंपियाड्स लाइक IZHU एट्सेट्रा। लाइक आई हैव गॉट फ्यू मेडल्स देयर एज वेल, लाइक ब्रॉन्ज मेडल एट APHO, सिल्वर एट IPHO एंड गोल्ड मेडल एट APHO अगैन। एंड दिस ईयर आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन IPHO विच विल बी हेल्ड एट ईरान, सो होपिंग फॉर द बेस्ट देयर। तो इसलिए फिज़िक्स की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है ओलंपियाड से, बट स्टिल क्योंकि JEE एक मार्क्स स्कोर करने का एग्ज़ाम है तो मार्क्स पे ज़्यादा फोकस रहने की वजह से मैंने केमिस्ट्री पहले अटैम्प्ट की थी, फिर उसके बाद फिज़िक्स मैथ्स में जैसा भी मेरे को अच्छा लगा मैंने उस हिसाब से अटैम्प्ट किया था। फिज़िक्स की तैयारी के लिए जैसे मैंने बताया कि ओलंपियाड की तैयारी से काफ़ी तैयारी हो जाती है, बट ओलंपियाड में कुछ अलग भी होता है तो JEE की तैयारी स्पेसिफिकली करनी पड़ती है। उसके लिए जो हमारी कोचिंग थी उसका मटेरियल मैंने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया था, जो भी उसके एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप, जो भी हमें क्लास में होमवर्क कराते थे, हमारे सर जो हमें क्लास में क्वेश्चंस कराते थे उनका लेवल भी काफ़ी अच्छा होता था तो उससे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती थी और मैंने उन क्वेश्चंस की मदद लेके उनसे प्रैक्टिस कर करके मैंने JEE की तैयारी की। जो हमारी मॉड्यूल्स थी उनमें भी काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चंस थे तो उससे मैंने तैयारी करी। और फिज़िक्स में एज सच एक्स्ट्रा बुक्स के लिए मैंने एरोडोव की थी और उसके पहले HC वर्मा की थी। तो HC वर्मा एक बेसिक लेवल पे आपको सारी चीज़ें कवर करवा देती है, अगर आप मेंस के लिए करना चाहते हैं तो HC वर्मा मोर देन इनफ है और अगर आप एडवांस के लिए करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार एरोडोव ट्राई कीजिए अगर आपके पास टाइम हो, नहीं तो जो कोचिंग के मटेरियल रहते हैं वो भी इनफ होते हैं, उनसे भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। और ट्राई कीजिए कि जब तक कंसेप्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, मतलब क्योंकि फिज़िक्स और मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हमें कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना रहता है रादर देन द फार्मूलाज जो होते हैं वो भी डिराइव हो जाते हैं। ऑल दो कुछ फार्मूला हमें याद रहने चाहिए क्योंकि उससे हमारी स्पीड बढ़ती है और आफ्टर ऑल हमें लिमिटेड टाइम मिलता है JEE एडवांस में तो हमें स्पीड का भी ध्यान रखना रहता है, तो उस वजह से कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, बट मेनली यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स बिकॉज द कॉन्सेप्ट्स आर द अल्टीमेट की टू द क्वेश्चंस। And when you are remembering the concepts, then you will be able to solve any questions regarding that particular topic. और similarly जैसे maths भी है उसमें भी हम concepts पर ज़्यादा focus करते हैं और जैसे आपके maths में कुछ topics होते हैं integration हो गया या फिर vectors हो गए जो कि मतलब थोड़े higher side पर topics रहते हैं, matrix ये सब जो topics रहते हैं इन पर काफ़ी अच्छे अच्छे questions आते हैं advance में तो इनकी मैंने थोड़ी ज़्यादा practice की थी। इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन जो क्लास में करवाते थे और जो मटेरियल था वो भी इनफ था तो इसके लिए मैंने कुछ अलग से नहीं किया था, बट काफ़ी अच्छे से इनके लिए मैंने प्रैक्टिस की थी जिससे कि इन पे काफ़ी अच्छा कमांड बन जाता है तो फिर हमें उस सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छा एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। सो व्हेन यू आर हैविंग अ कॉन्फिडेंस, इनफ कॉन्फिडेंस इन एनी टॉपिक और इन एनी सब्जेक्ट, देन यू गेट लाइक एक्स्ट्रा बेनिफिट एंड यू वुड बी एबल टू परफॉर्म अप टू द लिमिट ऑफ योर सेल्फ। तो उस हिसाब से मैंने मैथ्स की तैयारी की थी। उसके अलावा जैसे फिज़िक्स में भी कुछ अच्छे टॉपिक्स रहते हैं जैसे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हो गया या फिर ट्वेल्थ की बात करें तो फिर उसमें मैग्नेटिज्म, EMI, AC ये सब अच्छे टॉपिक्स रहते हैं तो इनके लिए भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी की थी। जो हमारे टेस्ट होते थे मॉक टेस्ट उनमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सब टॉपिक्स के लिए क्योंकि इससे हमें आइडिया लगता है कि JEE एडवांस में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने उनके लिए वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस किए थे टॉपिक वाइज। उसके अलावा एक बार मैंने लास्ट में कुछ 5-6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर फॉर्म में बैठ के 6 घंटे का टाइमर लगा के
मतलब 3-3 घंटे का 2 बार करके मैंने अच्छे से दिए थे, जिससे कि आपको एक असेसमेंट हो जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और उससे फिर आप आगे जाके आप अपना अपने हिसाब से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं उस फील्ड में। और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में जो 3 सब पार्ट्स हैं एक तरीके से, जो फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इन फिजिकल केमिस्ट्री वी आर मेनली सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, राइट? सो न्यूमेरिकल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेरियस बुक्स, देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। फॉर मी पर्टिकुलरली द मटेरियल वॉज इनफ एंड देयर वॉज सो आई वॉज स्टूडेंट ऑफ नीरज कुमार सर एंड ही हैज रिटन अ बुक, सो ही यूज्ड टू गिव अस प्रॉब्लम फ्रॉम हिज बुक एंड दैट वर क्वाइट रिलेवेंट एंड वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम्स। तो उनसे क्या होता है कि आपका एक काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल फ्रंट बन जाता है, और फिर उसके बाद आपको कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं रहती, फिर जो भी आपको कैलकुलेशंस फास्ट करनी रहती है। सो आई वुड रिकमेंड कि कई लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेटर्स यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेटर कैलकुलेशंस के लिए। तो मेनली मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो आप हैंड से करिए, मतलब हाथ से करिए, मेंटली करिए या फिर पेपर पे कीजिए, बट कैलकुलेटर्स यूज़ मत कीजिए, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो आपकी स्पीड भी एक तरीके से उस हिसाब से सेट हो जाएगी कि अगर आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे तो फिर उसके हिसाब से आपका क्या स्टैंडिंग है किसी भी सब्जेक्ट में। और इसके अलावा हमारे जो ऑर्गेनिक में हमने जो तैयारी की थी उसमें जो क्लास नोट्स होते हैं जो हमें क्लास में पढ़ाया जाता है, जो कंसेप्ट वाइज ऑर्गेनिक में भी, क्योंकि काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ऑल्दो काफ़ी रटने की भी चीज़ें हैं, बट उनको भी हम एक तरीके से समझ समझ के याद कर सकते हैं। और तो जो नोट्स रहते हैं वो काफ़ी रिलेवेंट थे हमारे। और उसके अलावा एक सोनल रजौरिया सर की बुक आती है, हमने वो सॉल्व की थी, तो उससे क्या होता है कि आपके कंसेप्ट भी एक बार स्ट्रांग हो जाते हैं, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रहनी चाहिए वो भी याद रहने लगती है। जैसे GOC है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आपका GOC स्ट्रांग है तो आप ऑर्गेनिक में जनरली आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो मतलब जितने भी आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं। तो फिर किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें हम आगे का कोई भी अगर टॉपिक कर रहे हैं तो पिछला वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम पिछला वाला टॉपिक नहीं कर रहे हैं ठीक से तो जनरली मतलब, क्योंकि आगे वाले जो टॉपिक्स होते हैं उनमें पिछले वाले टॉपिक से लिंक क्वेश्चन लिंक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, तो हमें वो एक्चुअली अच्छे से आने चाहिए, नहीं तो फिर आगे के टॉपिक्स में हमें हैम्पर होगा। और उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी रहती है, जिसके लिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन फॉर ऑर्गेनिक NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ वी आर रीडिंग NCERT थॉरली देन समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज द क्वेश्चन कम्स लाइक लाइन बाय लाइन फ्रॉम NCERT। फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर ऑल्सो देर वॉज इन क्वेश्चन विच केम डायरेक्टली फ्रॉम बिटवीन द लाइन्स इन NCERT इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेसिफिकली NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली फॉर मेन्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो फॉर एडवांस। बट इफ़ यू आर टारगेटिंग मेन्स देन मेन्स आस्क क्वेश्चन ओनली फ्रॉम NCERT एंड समटाइम्स दे मे बी आउट ऑफ द लाइन्स ऑफ NCERT, बट स्टिल लाइक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लाइक 99.99% ऑफ द टाइम्स द क्वेश्चन आर फ्रॉम NCERT एंड यू मस्ट रीड NCERT इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें हमारी याद करने की रहती है वो काफ़ी कुछ NCERT में दिया हुआ है। उसके अलावा जो हमें क्लास में पढ़ाया जाता है वो भी काफ़ी रिलेवेंट होता है, काफ़ी हम उससे याद करके मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो डेफिनेटली आती हैं एडवांस में स्पेसिफिकली। तो उसके लिए हमें क्लास में जो हमारे सर थे सुदर्शन गुहा सर, उन्होंने हमें पढ़ाया था, उन्होंने एक को ऑथर भी हैं, वो एक GD लिब नाम की बुक है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से लिखती है वो। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एडिशनल हैं जो कि रिलेवेंट है, कुछ चीज़ें ऑल्दो इररिलेवेंट है तो वो हमने स्किप करके जो भी रिलेवेंट पोर्शन था उसमें जो क्वेश्चंस हैं और जो भी मतलब रिलेवेंट पोर्शन हैं उसका वो हमने अच्छे से तैयार किया, और फिर उसके हिसाब से हमने आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन की। फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई वुड रिकमेंड कि आप डेली कम से कम आधा घंटा निकाल के उसको एक बार कोई ना कोई टॉपिक रीड कीजिए। अगर डेली नहीं भी पॉसिबल है तो सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नहीं, फॉर एग्जांपल इफ क्लासेस के अलावा आप 6 आवर्स स्टडी कर रहे हैं तो कीप 4 आवर्स फॉर द होमवर्क, और उस दिन का होमवर्क उसी दिन में कंप्लीट कीजिए, और बाकी जो भी 2 घंटे बच रहे हैं वो आप प्रीवियस टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, और अगर आपको लग रहा है कि आगे के टॉपिक्स में आपको दिक्कत होगी या बैकलॉग क्रिएट होने वाला है
तो उसकी प्रिपरेशन कीजिए और वो 2 घंटे उसमें दीजिए। मेनली आप ट्राई कीजिए कि आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बना पाएँ, जिससे आप मतलब टाइम टेबल इन द सेंस कि आप एक प्लानर बना पाएँ मोर स्पेसिफिकली, जिसमें आप ये प्लान कीजिए कि व्हाट टू डू इन दिस वीक और व्हाट टू डू इन दिस मंथ एंड प्लीज ट्राई टू कम्प्लीट इट इन दैट वीक एंड एज थॉट एज पॉसिबल। और इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू डैट ऑन दैट डे, देन मे बी डू इट सम अदर डे और मे बी डू इट ऑन संडे। और फॉर संडे यू शुड स्टडी अबाउट 10 to 12 hours एंड दैट इज आई थिंक मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम। और जो भी हमारा पूरे हफ्ते में जो भी बैकलॉग क्रिएट हो गया, जो भी हम वक्त नहीं हो पाया, ट्राई टू कम्प्लीट दैट ऑन संडे। एंड बिकॉज दीज 2 years आर दी ईयर्स वेयर यू हैव टू प्रिपेयर द मोस्ट इन योर लाइफ एंड आफ्टर दैट मे बी यू विल नॉट रिक्वायर्ड, यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सो मच लाइक टू डू दिस मच हार्ड वर्क। बट ऑल्सो लाइक दैट्स एन अजम्पशन, बट मे बी यू आर रिक्वायर्ड टू डू हार्ड वर्क, बट दीज 2 years आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एन स्टूडेंट लाइफ, सो प्लीज़ फोकस दिस ईयर्स एंड डू योर बेस्ट। तो इस तरीके से आप तैयारी करें। उसके अलावा पूरी प्रिपरेशन के दौरान ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, पूरा काम रह के प्रिपेयर कीजिए। और कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करिए। मैंने जब भी मुझे अपना प्रेशर होता था या कभी मार्क्स में कम नंबर आते थे तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था, जो कि हमेशा एक गाइडिंग लाइट की तरीके से काम करते हैं, वो हमेशा मोटिवेट करते हैं। अगर आप कुछ भी लो फील कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए। मेरा भाई जो कि मतलब वो ऑलरेडी एक IITian है, उसने मुझे काफ़ी गाइडेंस दी, तो मैंने मतलब पूरा मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में थी। तो बट प्रेशर हमेशा हार्मफुल होता है अगर एक लिमिट से ज़्यादा है। एक लिमिट तक प्रेशर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको पढ़ने का मोटिवेशन रहता है कि हाँ पढ़ना है, और नहीं तो फिर हम बहुत ज़्यादा लिथार्जिक होने लगते हैं। और एग्ज़ाम हॉल के एग्ज़ाम हॉल में जब भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ट्राई कीजिए कि वो उस क्वेश्चन का आपके माइंड पे इम्पैक्ट कम से कम हो और आगे के क्वेश्चंस पे मूव ऑन कीजिए। किसी भी क्वेश्चन पे फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर 10-15 मिनट अटक गए, हम 10-15 मिनट तक कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी नुकसान होता है, जो इजी क्वेश्चंस हैं वो भी छूट जाते हैं। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में 5 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, भले आपको कई बार ऐसा लगता है कि हाँ अब तो बस हो गया, अब तो बस हो गया, अब तो आई विल डू इट एंड देन दिस क्वेश्चन वुड बी सॉल्व एंड आई वुड गेट द मार्क्स, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न स्पेसिफिकली वी स्टार्ट टू डिले द टाइम एंड अदर क्वेश्चंस आर लेफ्ट। सो डोंट ट्राई टू बी स्टक ऑन वन क्वेश्चन एंड डो नॉट स्पेंड मोर देन 5 मिनट्स ऑन वन क्वेश्चन, जस्ट स्टॉप देयर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इवन आई वुड से दैट यू कैन रिड्यूस दिस 5 मिनट्स टू 3 मिनट्स, सो इफ यू आर नॉट एबल टू डू क्वेश्चन इन 3 मिनट्स देन स्टॉप देयर एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट। ऑल्दो लाइक इफ देर इज वेरी वेरी श्योर चांसेज दैट इन 10-20 seconds यू डू इट एंड देन यू शुड, एंड इफ नॉट देन प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आगे जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली ईजियर है कंपेयर टू योर क्वेश्चन, कई बार ऐसा होगा कि 3-4 क्वेश्चन भी लाइन से नहीं बने, तो उस वजह से प्रेशर आने लगता है। बट उस प्रेशर को निगलेक्ट करके आप आगे बढ़िए और एग्ज़ाम हॉल में अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। और जो 2 पेपर्स के बीच का टाइम है उसके बीच में पेपर 1 के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, काम ही रहिए। मैं तो एडवांस के पेपर के बीच में बिल्कुल नहीं सोचा था पेपर 1 के बारे में। I was more focused कि I have to do my best in paper 2 and like whatever is the result of paper 1 I cannot change it further. So अगर आप paper 1 दे के आ चुके हैं तो अब जैसा भी पेपर हो गया वो तो हो गया, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो paper 2 पे फोकस कीजिए और जितना अच्छा पेपर हो सके उतना अच्छा परफॉर्म करने का कोशिश कीजिए। जो मेन एग्ज़ाम है जो कि जनरली मई लास्ट वीक या June 1st वीक में होता है, तो उसके कुछ दिन पहले फॉर एग्ज़ाम्पल 1 हफ्ते पहले तक आपका अच्छे से रिविजन कम्प्लीट हो जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका सिलेबस नवंबर में ख़त्म हो गया तो आपके पास इनफ 6 months ऑफ टाइम रहेगा जिसमें आप रिवाइज कर पाएंगे। ऑल द बीच में बोर्ड्स रहेगा, मेंस रहेगा, बट स्टिल यू विल गेट इनफ टाइम फॉर रिविजन। तो उसमें आप ट्राई कीजिए कि आप सारी एक बार थ्योरी एक बार एटलीस्ट रिवाइज कर पाएँ और कुछ जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपने पूरे अपने 2 साल की जर्नी में की हैं उसको आप एक बार रिवाइज कर पाएँ। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इनऑर्गेनिक में,
फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एनालिसिस और पी ब्लॉक और एस ब्लॉक और वट एवर इन द ब्लॉक केमिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इफ यू आर स्टडिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स. सो देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट नीड्स टू बी चेक्ड, दैट नीड्स टू बी रिवाइज वंस. सो प्लीज डू दैट एंड ट्राई टू मेक द शॉर्ट नोट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वट एवर द पॉइंट्स दैट यू फील दैट यू फॉरगेट in like 1 month time or 2 month time. So please make short notes of that point, that points, and you must revise that short notes before the actual exam. So actual exam से पहले ज़्यादा एक 4-5 दिन पहले हमें ज़्यादा सब कुछ revise करने का नहीं सोचना है. जो भी हमने important चीज़ें mark की हुई हैं, जो भी हमने important सवाल mark किए हुए हैं, जो भी हमने important चीज़ें का short note बनाया हुआ है, हमें बस उस चीज़ को पढ़ के अच्छे से exam में जाना है, कामली कंपोज होके एकदम उसको देना है और अपना बेस्ट देना है. बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर मत लेना है, चिल करना है उसके बाद और उस टाइम पे एकदम फोकस होके, क्योंकि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फोकस बिल्ड करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, योग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं. मैंने भी मतलब जब भी मुझे ऐसा लगता था कि फोकस नहीं हो रहा है तो मैं कुछ दिन के लिए मेडिटेशन करता था. सुबह उठ के 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लिया, फिर उसके बाद आप मेडिटेशन करने के बाद आपका माइंड भी एकदम फ्रेश रहता है और यू आर एबल टू फोकस ऑन वन थिंग प्रॉपरली. तो मेडिटेशन कीजिए और कभी भी निराश नहीं होइए एंड यू वुड गेट योर रिजल्ट्स. और स्टडी आवर्स कीप इट लाइक 5 to 6 hours इफ यू आर अटेंडिंग क्लासेस एवरी डे एंड कीप इट एटलीस्ट 10 to 12 hours on the non-classes day or on the Sundays or whatever the holidays you get. So keep this much at least and make the study target based more than hour based and make the study efficient rather than brute force kind of thing. So jitna zyada aap acche se focus hoke padhenge utna zyada aapko benefit milega aur jitna zyada like I used to focus more than I used to study. तो मतलब इवन इफ आई एम स्टडिंग फॉर 2-3 hours देन आई यूज टू फोकस इट सो दैट आई गेट आउट ऑफ इट एटलीस्ट ऑफ 2.5 hours और 3 hours. सो यू शुड फोकस मोर इन स्टडिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड टेक अ स्मॉल ब्रेक्स. जितना भी मतलब आप 2-3 घंटे की सीटिंग ले रहे हैं तो 15-20 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद 2-3 घंटे की सीटिंग ले ली, फिर खाना खा लिया, फिर 1-2 घंटे की सीटिंग ले ली और एंड टेक अ साउंड स्लीप ऑफ एटलीस्ट 6 to 7 hours. और बहुत कम मत सोइए बिकॉज उसकी वजह से कई बार होता है कि एग्ज़ाम में भी यू फील डिजी तो उससे फिर लॉसेज होने लगते हैं, एग्ज़ाम में आप स्कोर नहीं कर पाएंगे उतना अच्छे से. तो दिस वर सम ऑफ द प्रिपरेशन टिप्स. और ऑल्सो आई वुड लाइक टू से दैट डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिंग है. अगर आप एक बार उसमें भिड़ जाते हैं, 10-15 मिनट भी लगाए तो फिर वो पता नहीं कब 2 घंटे बन जाएंगे. तो डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया, यूट्यूब काइंड ऑफ स्टफ. Just try to be more disconnected from the phone. Just use phone for the educational purposes. जो भी आपको पढ़ाई की चीज़ें आपकी आपकी टीचर्स जो भी भेज रहे हैं, असाइनमेंट्स भेज रहे हैं सपोज, या फिर आपने कुछ रिसोर्सेज डाउनलोड किए इंटरनेट से, तो आप उनसे ही प्रिपेयर करने का ट्राई कीजिए. डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन यूट्यूब काइंड ऑफ स्टफ बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी एडिक्टिव एंड इफ यू आर कॉट इन इट सो यू वुड बी लाइक नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट सून एंड दिस वुड अफेक्ट योर स्टडीज. तो जितना हो सके आप उससे दूर रहिए. जो भी 10-15 मिनट का ब्रेक रह रहा है उसमें अपने पेरेंट्स से बात कर लिया सपोज़, या फिर हमारे दोस्तों से बात कर लिया, कुछ खेलने चले गए, इस टाइप की चीज़ें करना प्रेफर्ड रहेगा. ऑल्सो फॉर टाइम मैनेजमेंट आई वुड लाइक टू से कि आप एक प्रॉपर रूटीन बनाएं. आप सोचिए कि आज मेरे को ये करना है. आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि 10 से 11 मैं फिज़िक्स ही पढ़ूंगा. आप वो चेंज कर सकते हैं बट यू शुड मेक लाइक स्लॉट्स कि मैं एक बार 2 घंटे की सीटिंग लूँगा या 3 घंटे की सीटिंग लूँगा और उसमें मैं अपना होमवर्क करूँगा, या फिर मैंने जो भी प्लान किया है वो आप उस दिन या फिर उसके पहले वाले दिन प्लान कर सकते हैं और अच्छे से उसको प्रिपेयर कीजिए. जो भी आपने प्लान किया है उसको ट्राई कीजिए कि वो फुलफ़िल हो, और नहीं हो रहा है तो उससे भी मतलब ज़्यादा अपसेट नहीं होना है. और हमें प्लान वैसे बनाना है जो कि फुलफ़िल हो पाए, और नहीं हो रहा है तो फिर हम आगे उसको कर सकते हैं ईजिली. कई बार ऐसा भी होता है कि बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है तो फिर उसके लिए हमें इनफ टाइम मिलता है बाद में भी, बट ट्राई कि बैकलॉग इकट्ठा ना हो, बिल्कुल ना हो. और होमवर्क आप टाइम टू टाइम कीजिए. जो भी आपकी टीचर्स बोल रही है यू मस्ट फॉलो दैट बिकॉज टीचर्स हैव मोर मच मोर एक्सपीरियंस देन वी हैव
and whatever they say, they must be having an experience with it, and we must trust them because they are the like the supreme experienced persons. So they are the ultimate decider, like what should we do in the upcoming days or whatever in the 2 years of preparation. तो ओवरऑल मैंने यही बोलने की ट्राई किया कि आप जो है अपना फोकस होकर पढ़िए, जब भी पढ़ रहे हैं काम रहिए, डू नॉट टेक मच प्रेशर, बट सम अमाउंट ऑफ प्रेशर इज यूजफुल. और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को ऑलमोस्ट इक्वल टाइम दीजिए. इफ़ यू फील कि कोई सब्जेक्ट वीक है तो उस पर टाइम लगा के उसको ठीक कीजिए, और फिर उसके बाद क्योंकि फाइनल एग्जाम में इक्वली आने वाला है, और इक्वल टाइम दे के उसके प्रिपरेशन कीजिए और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए. अगर आपके पास रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं है तो यू हैव एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी से केमिस्ट्री पढ़िए. उसके अलावा देयर आर बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, जैसे जीडीली हो गई और जो भी मैंने बुक्स बताई वो सब आप यू कैन बाय आउट देयर इन द मार्केट, एंड देन उसको आप सॉल्व कीजिए, उसको आप पढ़िए, और जितना भी आपके पास रिसोर्सेज हैं यू डेफिनेटली इफ़ यू हैव द विल यू विल फाइंड द वे. सो just have it in your mind that I have to do this, and be focused, and be like don't take much stress, and be focused, and you will get everything that you want. मतलब जहाँ पे इच्छा है वहीं पे रास्ता होता है. और इसी के साथ मैं अपना conclude करना चाहूँगा. थैंक यू.